खबर इटारसी से, पटवारी संघ की हड़ताल 23वें दिन भी जारी। मंगलवार से पटवारी बैठे भूख हड़ताल पर। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर विगत 23 दिनों से प्रदेश के पटवारी वेतन विसंगतियों को लेकर कलमबंद हड़ताल पर हैं, जिससे तहसील का पूरा कार्य अस्त व्यस्त हो रहा। किसानों से लेकर आम नागरिक तक छोटे छोटे कार्यों को लेकर परेशान हो रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई उचित आश्वासन नहीं मिला। सरकार की उदासीनता को देखते हुए पटवारी संघ ने मजबूरी में भूख हड़ताल का फैसला लिया। मंगलवार से पटवारियों ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी। हड़ताल को लेकर कांग्रेस के किसान नेता बाबू चौधरी ने कहा कि पटवारी राजस्व की रीढ़ की हड्डी के समान हैं, उनकी मांगों को प्राथमिकता से लेते हुए हड़ताल खत्म किया जाना चाहिए। हड़ताल से किसानों को परेशानी हो रही। वहीं इटारसी भाजपा मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने कहा कि सरकार पटवारियों के साथ है, शीघ्र ही मुख्यमंत्री ने कोई निष्कर्ष निकालेंगे। मध्य प्रदेश पटवारी संघ की आह्वान पे पूरे प्रदेश में और इटारसी तहसील में भी पटवारियों की हड़ताल चल रही थी, जो कि आज से भूख हड़ताल पर तब्दील हो गई है। सरकार से मांग है पटवारियों की कि उनका वेतन मान को लेके और कई विसंगतियां हैं जिनको के जिसके ताल्लुक से उनकी मांगे हैं, और वो लोग हड़ताल पे थे और आज से भूख हड़ताल पे हैं। हम देखेंगे कि ये भूख हड़ताल का क्या असर है, क्योंकि अभी तहसील परिसर में देखा जाए तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन लोगों को जो परेशानियाँ हैं वो हो रही हैं, और इन परेशानियों से निजात तो तब तक नहीं मिल पाएगी जब तक पटवारी अपने काम पे नहीं आएंगे, क्योंकि पटवारियों से जो एक राजस्व का एक बहुत बड़ी कड़ी होती है पटवारी। हम देखेंगे कि किस तरीके से ये हड़ताल हो रही है और क्यों हो रही है। यहाँ पर पटवारी संघ जो है वो यहाँ पर अभी हड़ताल पे बैठा है और भूख हड़ताल आज से शुरू है, तो हम पूछते हैं कि भूख हड़ताल क्यों है और क्यों हो रही। सर, आप लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं? मध्य प्रदेश पटवारी संघ भोपाल के आह्वान पर पिछले 28 अगस्त से पूरा प्रदेश का 19,000 पटवारी कलमबंद हड़ताल पर बैठा हुआ है। आज 23वां दिन है। पिछले 22 दिनों में पूरे मध्य प्रदेश में पटवारियों द्वारा रक्तदान, सुंदरकांड पाठ, सीएम हाउस तक पैदल यात्रा और जगह जगह चुन्नी यात्रा, बहुत सारे अनाथ आश्रम, छोटे बच्चों को खाना, बहुत सारे रोचक और तरह तरह के कार्य किए गए हैं। शासन को सद्बुद्धि, सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए सब कुछ किया गया है। हमें ऐसा लग रहा है कि बात अब सीधी उंगली से या सीधे मुंह होना नहीं है, इसलिए अब पटवारी संघ भी आक्रोश के रूप में भूख हड़ताल पर, क्रमिक भूख हड़ताल पर आ गया। प्रांत के आह्वान पर, निर्देश पर आज से हम क्रमिक भूख हड़ताल बैठे हुए। आपको क्या लगता है कि क्यों सरकार क्यों नहीं सुन रही? क्योंकि अभी तो चुनावी वर्ष है, सारे जितने संगठन जो हैं वो अपनी सरकार का इस मामले में अभी तक उन्होंने जिन संपर्क को दिया है उसका स्वागत करते हैं। अभी 22 तारीख को कोटवार संघ को महापंचायत उनकी बुलाई है, 23 को सहकारिता की है। बात हमारी भी चल रही है, राइस मंत्री जी का पूरा आश्वासन है, पीएस महोदय का। अब क्या है, चौथी बार ये हड़ताल है, आश्वासन पर बात नहीं बनेगी। हमें या तो आदेश चाहिए या मुख्यमंत्री जी सामने आकर घोषणा करें, तभी पटवारी संघ मानेगा। आपको लगता है कि इस तरीके की अभी जो कार्य प्रणाली जो चल रही है, क्योंकि निरंतर हड़तालों पे हड़ताल हो रही है, सारे संगठन, बहुत सारे संगठनों ने हड़ताल करी, उनकी बातें मानी गई हैं, और आपकी बात को इतना लंबा विलंब करना, क्योंकि राजस्व की एक बहुत बड़ी कड़ी हैं आप, और राजस्व क्योंकि पूरा संभालते हैं आप लोग, और अभी जिस तरीके से स्थिति निर्मित हुई थी कि बाढ़ की स्थितियाँ बन रही थी, आप ग्राउंड लेवल पर आप लोग संभालते थे, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों की नहीं सुनना, ये क्या है? यही बात है कि पटवारी जो है राजस्व की रीढ़ की हड्डी है, अधिकारी भी कहते हैं मीटिंग में, आप आँख कान नाक हो, सब कुछ हो, बावजूद इसके हमारे संवर्ग राइस में एसएलआर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सबके जो है सबका उन्नयन, सबका ग्रेड पे सारी सुविधाएं दी गई है पटवारी को छोड़कर, इसलिए पटवारी इस समय आर पार के मूड में है। इस बार जो हमारी मांग है 2800, वो हमारा हक है। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी 5 सूत्री मांगे हैं, उसमें सबसे प्रमुख हमारा 2800 ग्रेड पे की बात है, तो वो हमारा हक बनता है, इसलिए हम डटे हुए हैं, इस बार कुछ लेके ही उठेंगे। तो आपने देखा कि ये पटवारी संघ की हड़ताल है और इस बार आर पार की लड़ाई है, और अभी निरंतर हड़ताल चल रही है, हम देखेंगे कि आगे इसके क्या असर होंगे। हमारे साथ हैं कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ी पहचान रखने वाले बाबू चौधरी जी, और हम उनसे पूछेंगे कि पटवारी अभी जो हड़ताल चल रही है उसमें सर काफ़ी पटवारी जो हैं हड़ताल पे थे, 23 दिन से हड़ताल चल रही है, अभी आज से उनने भूख हड़ताल शुरू की है, सरकार अभी कुछ सुन रही नहीं है और सरकार की तरफ से कोई किसी तरीके का कोई आश्वासन नहीं आया, आपको क्या लगता है इस बारे में? मध्य प्रदेश
पटवारी संघ के बैनर तले पटवारी संघ विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से मांग मनवाने के लिए आंदोलन कर रहा है और चरणबद्ध तरीके से वो आंदोलन कर रहे हैं। आज उनकी आंदोलन का 23वां दिन है और आज से उन्होंने भूख हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। चूँकि आंदोलन लंबे समय से चल रहा है, लगभग 23 दिन आंदोलन को चलते हो गए हैं और उनकी बात मानना चाहिए सरकार को और उनकी बात गंभीरता से सुनते हुए उसका निराकरण करना चाहिए, क्योंकि और भी कर्मचारी संगठनों ने जो मांग रखी थी उनकी बात मानी गई, सुनी गई। तो एक बड़ा वर्ग है और प्रमुख कार्य से जुड़ा हुआ है पटवारी वर्ग, और अगर वो हड़ताल पर जाता है तो उससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में खेती का कार्य, खेती से जुड़ी चीज़ें प्रभावित होती हैं। अभी हमारे खेतों में खरीफ की फसल लगी है, अब उसकी गिरदावरी होना है। गिरदावरी होने के बाद में फसलों का समर्थन मूल्य पे जो मक्का बिकेगी, धान बिकेगी और दूसरी जो खरीफ की फसलों की जो उपज समर्थन पे खरीदी करी जाती है, जब उनका विक्रय होगा उससे पहले रजिस्ट्रेशन होता है, तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू होने वाली है। लेकिन अगर गिरदावरी नहीं हो पाएगी समय पर रहते तो वो काम डिले होगा। दूसरी बात यह है कि पहले खंड वर्षा हुई, बीच में लंबे समय पानी नहीं गिरा, तो उस समय भी किसान संगठनों ने मांग करा था, बहुत सारे लोगों की फसलें सूखी हैं, उस समय भी मांग करी गई थी कि किसानों की फसलों का सर्वे करा करके RBC 64 के अंतर्गत मुआवजा दिया जाए और फसल बीमा में भी ये चीज़ आती है कि उसका फ़ायदा किसानों को मिल सकता है। लेकिन इस कार्य को करने वाला फील्ड स्टाफ में कोई व्यक्ति है तो वो पटवारी है। चूँकि अब पटवारी ही 23 दिन से हड़ताल पर हैं तो वो काम भी नहीं हो पाया। अब पानी गिरा है तो जो पानी गिरा है ये अतिवर्षा हुई है, तो अतिवर्षा के कारण खेतों में मक्के की फसल को नुकसान हुआ है, धान की फसल आड़ी हुई है, जो नदियों के किनारे जो गांव थे उनमें पानी भराना है तो उनका भी सर्वे होना था। वो किसान भी सरकार के पास मांग लेके आए, ज्ञापन दिया, लेकिन अब उनको कार्य करने वाले लोग भी पटवारी हैं जो जाके फील्ड में करके और सरकार के पास रिपोर्ट देते हैं, उसके बाद में सरकार उस पर कार्रवाई करती है। तो जब सरकार को मालूम है कि हमारे बीच की मुख्य कड़ी पटवारी है, लेकिन सरकार अपनी वाहवाही के लिए यात्राएं निकाल रही हैं, अपनी उपलब्धि गिनाने के लिए यात्राएं गिना रही है, लेकिन एक बड़ा वर्ग हड़ताल पे है और उस वर्ग के हड़ताल में जाने के कारण पूरा कृषि क्षेत्र उससे प्रभावित हो रहा है, और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा क्षेत्र अगर कोई है तो वो कृषि क्षेत्र है। और ये हड़ताल तो चल ही रही है, विगत 16-17 दिनों से मंडियों में भी हड़ताल चल रही है, मंडी में भी व्यापारी हड़ताल पे गए हैं, उनकी भी मांगे हैं, सरकार उस पर भी ध्यान नहीं दे रही है। कल भी कुछ बैठकें थीं लेकिन उसमें ये निर्णय किया कि व्यापारी भी हमारी मांग नहीं मानी जा रही तो हम भी हड़ताल पे जा रहे हैं। अब वो हड़ताल पे गए हैं तो उसके कारण मंडी में जो हम्माल हैं, तलावटी हैं, बड़ी संख्या में जो डेली उस पर जिंदा हैं, जिनके आजीविका का जरिया वो ही मंडी में काम करने के बाद जो पैसा मिलता है वो है, आज 16-17 दिन से वो लोग भी मतलब काम नहीं मिलने से वो भी परेशान है। दूसरा, किसान के पास जो उपज हैं उनको ज़रूरत है वो भी मंडी ले जाके बेच नहीं पा रहे हैं। तो हमारा तो ये निवेदन है सरकार से कि आप एक तरफ पटवारियों की भी जो मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, जो मांग मांग रहे हैं, आप उनको निराकरण करें और ये हड़ताल टूटे तो हमारा जो खेती का कार्य प्रभावित हो रहा है वो कार्य प्रभावित ना हो। दूसरा, इधर जो व्यापारी संगठन मांग रहे हैं मंडियों में, उनके साथ भी बैठ के आप बात करें और उनकी भी बात को माने, उससे वो मंडी में काम करने वाले हम्माल, तलावटी, मजदूर, उनको ट्रक जो एसोसिएशन ट्रक हैं जो ट्रांसपोर्ट में लगते हैं, और किसान जो अपनी उपज लेकर जाते हैं, सब प्रभावित हो रहे हैं। तो हम तो यही निवेदन करते हैं सरकार से कि भाई इनकी बात माने। हम इस आंदोलन को भी समर्थन करने सब लोग गए थे, बार बार हमारे कांग्रेस परिवार ने समर्थन किया, कांग्रेस परिवार और किसानी से जुड़े जो भी किसान संगठन है सबने उनकी समर्थन किया, और हम यहाँ व्यापारियों के साथ भी उनकी मांगों का समर्थन करते हैं कि सरकार उनकी बातों को भी सुने और दोनों तरफ ये हड़ताल जितनी जल्दी ख़त्म होगी हमारा ग्रामीण क्षेत्र में उतनी परेशानी कम होगी। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह हमारे साथ हैं और हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि पटवारी संघ निरंतर 23 दिन से हड़ताल पर है, आज से उनकी भूख हड़ताल शुरू हुई है, उस विषय को लेकर कितनी गंभीरता से सरकार के सामने
या सरकार के वरिष्ठों के सामने ये अपनी बात रखेंगे और हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो इस विषय पे क्या कहते हैं। सर आप क्या बोलेंगे, क्योंकि अभी कंटिन्यू निरंतर पटवारी जो हैं वो अपनी हड़ताल पे हैं, आज से उनकी भूख हड़ताल शुरू हुई है, तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हम सबके नेता हैं और शासकीय डिपार्टमेंट जितने भी सरकारी विभाग हैं, माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सबके हित के कार्य किए हुए हैं, उसी में से एक पटवारी संघ आता है। अभी कुछ दिन पूर्व भी पटवारी संघ ने माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से शायद मुलाकात की थी और उनके समक्ष संज्ञान में आया कि इनकी वेतन वृद्धि और अन्य कुछ मांगे हैं उस पर निश्चित ही समाधान खोजा जा रहा है और जल्द से जल्द माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी इनकी जो मांगे हैं वो मानेंगे, क्योंकि देखने में ये आया है कि जितने भी सामाजिक वर्ग हैं, जितने भी शासकीय डिपार्टमेंट हैं, माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी हर वर्ग के बारे में सोचते हैं और उनकी चिंता करते हैं और निश्चित ही समाधान निकलेगा बहुत जल्दी। हम भी हमारे माध्यम से बात संगठन पहुंचाएंगे कि पटवारी संघ रीढ़ की हड्डी माना जाता है और इनकी मांगें जल्द से जल्द पूरी की जाएं, हम भी पटवारी संघ का के साथ हैं। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया है, उस विषय पर आप क्या बोलेंगे? देखो कांग्रेस तो पॉलिटिक्स हमेशा विरोध की करती आई हुई है और जहाँ पर विरोध होता है वो वहाँ जाके खड़ी हो जाती है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। भाजपा जो बोलती है वो करती है और माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने वो हमने जो बोला है वो किया आएगा और आगे भी निश्चित करेंगे। कांग्रेस तो झूठी पॉलिटिक्स करती है, पहले भी करती आई थी, अभी भी कर रही है। तो ये थे जोगिंदर सिंह जी, जिनने के काफ़ी गंभीर आरोप लगा दिए हैं कि कांग्रेस झूठी पॉलिटिक्स करती है। अब हम देखेंगे कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, पटवारियों को किस तरीके से उनका भला हो सकता है, किस तरीके से उनका फायदा हो सकता है। ताज खान, अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।